वेलकम टू बेक मी अ विश बाय एस के। आज हम मोस्ट ट्रेंडिंग केक पिनाटा केक बनाना सीखेंगे। 600 ग्राम चॉकलेट को चॉप कर लिए, अब इसको डबल बॉयलर पे मेल्ट करेंगे। चॉकलेट बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है, अब हम मोल्ड में सेट करेंगे। ये हमारे पास राउंड पिनाटा मोल्ड है। अब हम थोड़ी चॉकलेट इसके अंदर डालेंगे। इस तरह राउंड में घुमाएंगे और चारों तरफ हम चॉकलेट को फैला लेंगे। हमने चारों तरफ चॉकलेट को फैला ली है, अब इसमें जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको हम निकाल लेंगे और मोल्ड को हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि चॉकलेट जो अच्छी तरह सेट हो जाए और फिर इसकी दोबारा चॉकलेट की एक कोटिंग करेंगे। अब हम और चॉकलेट इसमें शामिल करेंगे और एक और कोट करेंगे इसको, ताकि थोड़ा कोट चॉकलेट का मोटा हो जाए और जब निकालें तो ये टूटे ना। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट हमारी सेट हो गई है इसमें। अब इसको वापस हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये हार्ड हो जाए चॉकलेट। जी तो ये हमारे पिनाटा केक का शेल तैयार है। इसका राउंड जो है वो बिल्कुल गोल हो, इसके लिए हमने इसको इस बॉल में रख दिया था ताकि ये नीचे से बिल्कुल गोल हो। ये देखें, इसको हमने ऐसे रख दिया था। अब हम इसको डीमोल्ड करते हैं। पहले साइड से हम लूज करेंगे बहुत एहतियात के साथ, टूटे ना ये। जी तो देखें कितना खूबसूरत शेल तैयार है। और एक ये हमने बना के रखा और इसको हमने नीचे इस तरह रखा कि जब हम सेट करें तो ये हमारा केक जो है इस तरह खड़ा हो सके। अगर इस तरह का शेप में होगा हमारा केक का बेस तो ये खड़ा होने में मुश्किल होगी। अब हम केक के शेल के अंदर चॉकलेट्स रखेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी चॉकलेट्स जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, केक भी आप इसमें रख सकते हैं। जो आपकी मर्जी, जो आपको पसंद हो आप इसमें रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर इसका दूसरा शेल रखेंगे और चॉकलेट से ही उसको जोड़ देंगे। अब
अब इन दोनों शेल्स को आपस में जोड़ने के लिए हम इसके इर्द गिर्द चॉकलेट लगाएंगे। इसी चॉकलेट के ऊपर हम रिबन लगा देंगे। जी तो रिबन लग गया है, अब हम इसके साथ बो चिपकाएंगे। आज हमने अपनी इस वीडियो में पिनाटा केक बनाना सीखा है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।